हेलो एंड वेलकम टू बॉल नाइट्स विद एहसन खान। जनाब सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है, सोशल मीडिया हो, कोई फैन पेजेस हो या टेलीविजन के थ्रू, बॉल चैनल के थ्रू ये पता चलता रहता है कि आप लोग देख रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं शो। हमारे पास जब गेस्ट आते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपसे, मुझसे, हम सबसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार और हम भी उनसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। आप लोग जब सवाल लिख भेजते हैं, वो सवाल यहाँ पे करते हैं तो मज़ा बहुत आता है फैंस को। मुझे पर्सनली बाकायदा फीडबैक मिलता है और इनबॉक्स मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, क्या इनको बुलाइए, इनसे बात कीजिए, ये सवाल कीजिए। तो जनाब ये शो आपके लिए हमने सजाया है, इसीलिए आपके और मेरे फेवरेट हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर रोशन किया, और आज जो हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं, ये अगर मैं कहूँ उनके बारे में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये ऐसे लोग हैं कि ये बजाते खुद अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी हैं एक्टिंग की, और ऐसा ऐसा इन लोगों ने काम किया है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं और बहुत कम लोगों का नसीब भी होता है। सबसे पहले चल के देखते हैं कि मेरे आपके पहले फेवरेट गेस्ट कौन से हैं। अब आप तो जान गए हम किनको बुला रहे हैं, द वन एंड ओनली महमूद असलम। महमूद भाई कहाँ है, कहाँ चले गए ये? अरे यार ये क्या चक्कर है, कैसे आप? वेलकम टू माय शो। थैंक यू यार, मैं उठूंगा नहीं, मैं इधर बहुत नहीं, बिल्कुल ना उठे। और आप बड़े मैच कर रहे हैं सुर्ख सोफे के साथ, ये ग्रे ग्रे बड़ा मैच करके आए आप। मेरी मैं जो विजन है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, मैं विजुलाइज कर लेता हूँ चीजों को। क्या मैंने कहते थे यार जरूर रेड सोफा होगा और ग्रे एंड रेड का कॉम्बो बड़ा अलग है। क्या बात है आपकी। एक और कॉम्बो है जिनको हम यहाँ बुलाएंगे लेकिन उनका देखेंगे एक छोटा सा पैकेज। आइए आइए, ये मैंने आपका स्पेशल वेलकम किया, वहां तक नहीं जाता किसी को लेने के लिए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। हाय, फाइनली आपकी खातिर मुझे उठना पड़ गया। थैंक यू मसूद, बैठिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तशरीफ रखिए, आइए जी भाई। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। है ना, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। वो तो हम हैं यार, एक सेकंड, वो तो नहीं लग, क्या मतलब रहे, पहले मुझे आप ये बताएं हम हैं बेटा। हाँ नहीं है, हैं हाँ, मैं मेरा मतलब आज ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, आज आपका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, ये देखे ना, मैं ये सुनना चाह रहा था। अच्छा आते जब हम अभी ऑन एयर नहीं थे तो बोल रहे थे कि सेट बड़ा अच्छा है और बड़े हम प्यारे लग रहे हैं, तो ऑन एयर बोल नहीं रही है, क्या हो गया? मैंने कुछ आपके लिए भी छोड़ा है, मैंने कहा हिना आ रही है वो भी कुछ बोलेगी। मैं तो आज ये सोच के आई हूँ कि ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम है ही नहीं, बिल्कुल फॉर्मल नहीं है, इसमें तो कैजुअल चिटचैट है हमारी। भाई हम इसके सेट पे नहीं बैठे हुए, मैं तो इसके घर में बैठा हुआ ना, तभी स्टाइल देखो ना बैठने का, बिल्कुल वेरी कंफर्टेबल, यू नो, आई नो, यस। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल बुलबुले दोबारा से शुरू हो रहा है और आपका एक जबरदस्त, वो मैं कहता हूँ ना खत्म होने वाला एक सिलसिला बन गया, तो कुछ नई जो एपिसोड आ रही है उसमें कुछ नया है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बंद से बचाए। असल में हमारी ठरकें जो है ना ऑफ द स्क्रीन होती है, यानी वो इसलिए एक्टिंग एक और बात है, लेकिन जो मिलके बैठना सबको एक दूसरे से, तेरी सोच है जो हम वहाँ झुकते लगाते हैं एक दूसरे को, जो हम एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है, वो एक अजीब माहौल होता है। अच्छा ये मैंने देखे, कॉमेडी करने का ये फायदा था कि आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, इमोशनल सीन्स नहीं होते, आप जाते हैं कैजुअल लाइनें बोली, गपशप की, हंस के तो आ गए, ये ऐसा? हाँ, मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा थेरेप्यूटिक होता है ये। अच्छा लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये हर जगह ऐसा नहीं होता, समटाइम हमारे कुछ एक्टर्स हैं वो बड़े सीरियस होकर भी काम कर रहे होते हैं सिटकॉम को भी। अच्छा हम ये हम एक्टर जो है ना, हमारी नेचर बड़ी कमबख्त अजीब सी है, हम जहाँ जाते हैं ना हमसे सीरियस हुआ नहीं, नहीं जाता। आपको तो मैंने देखा, आप तो बिल्कुल सीरियस, मैं तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैं बहुत रहती हूं। नहीं आप भी नहीं रहते, नहीं। अच्छा कभी कभी हो जाती है, ये हो जाती है, हम इसको कर लेते हैं, कभी कभी हो जाती है सीरियस, क्योंकि वो एक किसी ट्रांस में लगता चली जाती है कभी कभी। नहीं नहीं, वो शो फ्लॉप कराना होता है तो मैं सीरियस हो जाती हूं। और ये भाईजान ये बहुत एक और बहुत पहुंची हुई चीज है। महमूद साहब एक और वजह आपको बताऊं, राज की बात ये पता है, कहती हैं, मैं इनको कहता ना यार इतनी चुप क्यों बैठी है, आप इतनी सीरियस क्यों हैं, क्या हुआ है? बस जितने पैसे दिए उतनी बात करो। सोचो हम कितना हंस रहे हैं, अब कितना हंस रहे हैं, मुझे पता लगे से पैसे अच्छे मिले शो में। आप सब लोग बिल्कुल गलतफहमी में मत आइएगा, हम दोस्ती में। नहीं नहीं लेकिन इसकी बेस्ट बात है ये बुलबुले पे पता क्या कहती है सेट पे, ये कहती है कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी, इसको एक सीन का गैप मिलता है ना
ये अंदर कमरे में जाके सो जाती है लिटरली। हम और सीन में कितना टाइम लगता है हमारा, तो कॉमेडी है ना, मैं 15 मिनट होता है वो तो नेचुरली ही होता है। मैं 15 मिनट के लिए भी सो सकती हूं, ये 15 मिनट में, ये 15 मिनट की नैप लेके और फ्रेश होके उठ जाती है। यार लोगों को तो एक घंटा लगता है नींद में जाते हैं, 15 मिनट कैसे सोती है? मैं ये ब्लेसिंग है मेरे साथ, मैं बिस्तर पे भी लेटती हूं ठीक 2-2.5 मिनट और मैं खत्म। ये भाईजान ये तकिया आपने ये रखा? नहीं इधर नहीं सुलाना, मैं इसी रे यूं लेटी और ये खराटे से ये यहां मजाक उड़ा के यहां भी सो जाएगी कसम से, कि थोड़ी एनर्जी आप उसको रिजुविनेट करें, संभाल के रखें, संभाल के रखें, थोड़ी ताकत आने दें। अननेसेसरी सेट पे बोलना जिससे आपको कोई चस नहीं आ रही है फिर भी। यार ये तो आज राज मुझे जबरदस्त पता लगा है। नाज़रीन ये अपनी एनर्जी को बचाने का एक तरीका है कि आप अननेसेसरी कोई काम ना करें, जो जरूरी बस वो करें। बातचीत जारी है कि जबरदस्त बातचीत है, लेकिन चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की। इंस्पिरेशन जो है, आप दोनों से ये बात करूंगा लेकिन आपसे पहले पूछूंगा, क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े बड़े हिट होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह क्योंकि मैंने महमूद साहब का भी एक अलग एरा है ये वाला, मैं कहूँगा पहले भी एक मैंने बहुत टाइम गुजारा आपको, हमने थोड़ा लेट देखा स्क्रीन पे, ये आपकी गलती है, बिल्कुल ये मेरी कोताही है, मेरी कोताही है, लेकिन मैं लेट ही आई। हाँ लेट ही आई हैं आप, लेकिन ये जो कैरेक्टर तो सेट पे लेट जाती है। अच्छा नहीं लेट जाती है, लेट जाती है। अच्छा जो ये जाती है वो लेट वो लेट है। ओके ठीक है। ये कैरेक्टर की कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन, आपने 29 कैरेक्टर्स किए एक और प्ले में, 27 कैरेक्टर्स मजर मोइन के का जो प्ले था, ठीक है, इसमें भी एक अलग सी वॉक, अलग सा चश्मा, उसमें भी सब कैरेक्टर्स में, अभी आपको मैंने अवार्ड्स में देखा उसमें आप बड़ा मजेदार आपने एक स्किट किया, इंस्पिरेशन कहां से लेती कैरेक्टर्स की? भाई देखो दुनिया में जितने लोग हैं ना उतने कैरेक्टर्स हैं मुझ समेत, मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, हम किरदार ही तो हैं। तो मुझे लगता है जितने भी लोग हैं दुनिया में उतने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो कमी तो नहीं पड़ती, बस सिर्फ ये है कि आपको उठाना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, यू हैव टू बी फोकस जब आपको कोई कैरेक्टर करना पड़ता है। सबसे बेस्ट मिसाल है महमूद साहब बैठे बैठे कैरेक्टर बनाते हैं और ऐसा कि मत पूछें, और फिर भूलता भी नहीं इनका, तो वो रीमा जो उन्होंने किया या कोई भी ये कैरेक्टर करते हैं ये भूलता नहीं है। अभी मैंने इनकी फिल्म देखी जो हमारे चैनल पे भी चल रही थी तीफा, जो उसमें भी इन्होंने इतना जबरदस्त माशाल्लाह, मतलब मेरे कहने की जरूरत नहीं, ऑल आर लकी That we have Mehmood Aslam. No doubt, जनाब ये बात क्या बात है, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त। अच्छा एक्टर तो आप अच्छे हैं ही, शोहर भी इतने अच्छे हैं, लोगों से एक एक बीवियां नहीं संभाली जाती, ये दो दो संभाल के माशाल्लाह बैठे हैं। तीन देखिए इनकी पहले ही दो बीवियां हैं लेकिन जानते लोग मुझे हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये ड्रामे की बीवी, ड्रामे की बीवी, मैंने मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी मैं सबका बहुत ख्याल रखता हूँ, ये इसको पता, मुझसे कहते हैं लोग महमूद साहब कहाँ हैं भाई, महमूद साहब अपने घर में होंगे, मुझे क्या पता महमूद साहब अपने घर में। अच्छा माशाल्लाह दो दो बेगमात हैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उनके कपड़े भी इस्त्री कर लेते हैं, आप खाना भी पकाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, अरे खाना हलवा ऐसे मजे का बनाते हैं, भी करते हैं घर में, बीवियों को नाश्ता देते हैं टेबल पे, यार मतलब ऐसे सुबह सुबह डार्लिंग नाश्ता रेडी, यार ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जो बहुत से लोग ऐसे बैठे होते हैं ना कि बेगम ये करो भाई, ये मतलब यार इंस्पिरेशन, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीजें देख के आप दूसरी तीसरी तरफ चले ना जाइएगा, उसकी वजह हर कोई इसको हैंडल भी कर सकता है, आप में स्पेशल गुण है। देखिए मैं आपको एक इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी जो है, ये बेसिकली एक जब मैं छोटा था, ये मेरी वालदा अल्लाह उन्हें जनरल नसीब करे, ये बेसिकली उनकी ट्रेनिंग है, हम चार भाई हैं एक बहन है, तो वो हम भाइयों से भी ना वही काम सारे काम करवाती थी, घर के जितने भी होते थे उनका, ये उस जमाने, हालांकि 5-6 जमातें पढ़ी होंगी उस जमाने में, वो शी वाज नॉट दैट एजुकेटेड और मायों थी, लेकिन वो लगता है अम्मी जी ने कहा था जितनी बीवियां हो उतनी अच्छी हैं तुम्हारी। अच्छा जब आजकल महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, डिग्रीज के पीछे लोग भागते हैं लेकिन जो शऊर होता है ना वो खत्म हो चुका है लोगों में, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बेटा कल को आप अगर कहीं बाहर पढ़ने जाते हो, आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हो जहां पे आपको अकेले रहना पड़े, तो आप डिपेंडेंट ना हो, सही, आपको सुई धागे से लेके हर काम आना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से आप लिस्ट पूछें, मैं सुई धागे का काम भी टांका लगा लेता हूँ, खुद बटन टांग देता हूँ हर काम। सबसे अच्छी महमूद साहब की ड्रॉइंग है, कभी किसी ने नहीं देखी, मैंने देखी है, वो बैठे बैठे बहुत अच्छा स्केच, आप देखिए वो भी मेरे ब्लड में, वो मैंने इनहेरिट किया बेसिकली, मेरे वालिद साहब जो थे वो टीचर थे, टेक्निकल ड्राइंग पढ़ाया करते थे,
मेरे जो फूफा थे वो पहले मुसलमान प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, जबरदस्त। मेरे जो दादा थे वो मजंग स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल। अरे लवली लवली, तो सबका काम बहुत आला था, तो ये चीज मैंने इनहेरिट की है। मेरे ख्याल में मैंने साइड चेंज कर ली, मैं जरा मरासी कंजर टाइप दी चीज ही चला गया वहां। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या कह रहे हैं यार। एक मिनट की बात, मैं जस्टिफाई करूंगा इसको। ये अब हमारा चीजें चेंज हो गई हैं, लोगों को मतलब पता चल गया कि ये चीजें अच्छी है। उस जमाने में बेटा ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, मेरे बाप ने मुझे रोका था कि यार तू हराई फैमिली साड़ी, तू मतलब क्या कर रहे हो, तो तू एक ही कंजराना काम पड़े है। तो उस जमाने में यही सोचा था। तो आप पिछले कोई 20 नहीं, तो आपने जब उन्होंने ये कहा तो आपने भी सोचा नहीं कि वाकई यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन सपोर्ट किया था बच्चे कंजर मरासी ने, शुगल मेला लांदे ने। मौला पागल इलाही खैर, हाँ मेरे पुत्र की खैर। तो बहरहाल वो चीजें ही आती थी। लेकिन देखिए आपकी ना एक्टर की मैं समझता हूँ ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और मैंने शुरू से मतलब मैं बच्चा था, तो ये जो जंजालपुरा की आप बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मोहल्ले में ना जो बच्चा पैदा होता तो बड़ा रिवाज था उस जमाने में शादी ब्याहों पे इन चीजों पे ना हिजड़े आया करते थे, वो कहता नाचते थे और सारा कुछ। बिल्कुल अब भी होता है बहुत सी जगह, वो ऑब्जर्वेशन में उनको देखता था। लो अब तो बहुत होता है, बैक माइंड में रह गई हुई है चीजें। सही की कह रही है, तेरे सदके जामा मैं शहजादी एडी सोनी लगन रही है, मैं गुरु ना होता तो मैं तेरे ब्याह करके ला जाता। यार आप भी उसमें आप भी तो हिजड़ा कहने भी कीता होया है। नहीं वो इहदे विच भी जर्म्स है कहदी सारे, ये पूरे दिना दी है ये माशाल्लाह। और हम लोग क्योंकि हमारे मुआशरे में बड़ी देर से एक्सेप्टेंस शायद इसकी आई है जिस तरह आप कह रहे हैं। ऑल दो आई फील कि सिंगिंग और अच्छे अंदाज में कुछ पढ़ना, अच्छे अंदाज में कुछ कहना, शायरी करना, स्केच करना, ये सारे जो एक्टिंग ये सब कुछ फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। और यकीनन आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप बड़े इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, टिपिकल रन ऑफ द मिल काम नहीं कर रहे, नॉट दैट यूर इन फ्रंट ऑफ मी आप यहाँ बैठे हैं, बट आप लोग इतने मखसूस अलग तरह के यूनिक एक्टर्स हैं दोनों के, कोई दूसरा नहीं है वैसा, कोई मैच नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़। इसका एक जवाब मैं आपको दूं छोटा सा, मेरे नज़दीक देखिए ये डिबिया जो है ना टैलेंट की, ये अल्लाह ताला ये इनबॉर्न है क्वालिटी। हाँ। ये आप बाहर से सीख नहीं सकते। बिल्कुल। आप 50 करोड़ रुपए भी किसी बच्चे पे लगा देना वो एक्टर ये नहीं हो, ये टैलेंट नहीं है आपके पास। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें जो अल्लाह ताला, देखिए हम कितने लोग हैं टैलेंटेड जो हैं 20 करोड़ अवाम में, अगर आप देखें तो कितने लोग होंगे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। बिल्कुल। 22 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ब्लेस्ड हैं। मुश्किल, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं इससे। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, खुला मैं कह रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला की खास अनायत है, ब्लेसिंग है इन लोगों पे। हमें अपने टैलेंट का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अल्लाह ने हमें दिया है, और हमें दूसरे की टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि अल्लाह ने उसको भी दिया है टैलेंट। तो हम जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, अब मैं देख रहा हूँ चीजें ना रिस्पेक्ट निकलती जा रही है। और मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ये आर्टिस्ट हैं ये इंसान और फरिश्तों के दरमियान की चीज़ है कोई, क्योंकि ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते, और अल्लाह खास अल्लाह की रहमत होती है इन पे, ये ब्लेस्ड लोग हैं, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। जितने नए आने वाले हैं सबको मैं कहूं इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इनको वक्त पे चेक देना चाहिए, इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, इनकी बहुत रिस्पेक्ट और पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए। बिल्कुल, पूरी दुनिया में है ये मैं मानती हूँ, मैं तो अपने इलाके की यूं की बात नहीं करनी, ये प्लीज डायरेक्टर साहब काट दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी होगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं आपका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कितने माशाल्लाह कैरेक्टर्स प्ले किए मैंने देखा, आपने सीरियस रोल्स भी बहुत किए हैं और अच्छे किए हैं, अप्रिशिएट सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर आपकी पहचान बनी, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुआ? एक ये भी बात है कि अप्रिशिएट कौन सा हुआ, और एक ये भी बात है कि खुद को कौन सा पसंद है। एक कैरेक्टर जो मैंने डेब्यू प्ले में किया था बंस रोड की नीलोफर में, सईदा का कैरेक्टर, वो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच मनी। इस पहली दफा सेट पे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए, और अपने आबिद अली साहब को मुझे वो तिक्का तोड़ के खिलाना था, उनका जो मुंह खुला मुझे लगा कि शेर भूल गया, तो मैं बीची चली जाऊंगा, शेर लग रहे थे वो मुझे, इतना बड़ा मुंह तो नहीं होगा क्या। इधर से देखो नबील चला रहा है, उधर से देखो महमूद असलम,
मैं मजे की बात करती हूँ, सुने आप मुझे निकाल दें इस ड्रामे में से, चले आप अपना याद करें। इतनी घबराहट हो गई आपको परेशान? हाँ, मैं तो दुआ करती थी या अल्लाह इस डायरेक्टर को कुछ बात बुरी लग जाए, ये मुझे फेल कर दे, ये निकाल दे, मुझे मुझे कुछ नहीं समझ में आता कैमरा किधर रखा है, देखना किधर है, अभी भी नहीं समझ में आता कि कैमरा कहाँ रखना है, रखा है तो कैमरा रखा हुआ है ये जहन में रहता ही नहीं। यानी इतना आप खो जाती है, नेचुरल भी होता है ना, ये एक तरीका होता है कि बस अपने काम से काम रखा, दूसरी चीजों का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगता है मेरे साथ ऑटो पर है। और ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ कैरेक्टर आपको लगता है कि जो बहुत मशहूर है लोगों को? पॉपुलर जो कैरेक्टर है वो तो मोमो है, बहुत शदीद पॉपुलर। बिल्कुल, मोमो को हटा के मैं बात करती हूँ क्योंकि उसका एक मेनिया है, अलग ही, बिल्कुल। वो हम सबके जितने कैरेक्टर्स हैं ना बुलबुले के, बिल्कुल भाई, मैं इनको महमूद भाई कहता था, लेकिन क्योंकि नबील इतना महमूद साहब बोलता है कि मेरे मुझे लगता है इनका नाम महमूद साहब हो गया है। बुलबुले ने मैं इस पे एक जवाब दे दूंगा यार, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं प्लीज, मेहरबानी आपकी, ये बहुत मजे का सवाल है, इसका मुझे जवाब देने दीजिए। उससे पहले ये होता था कि सेटों के ऊपर ना सब लड़कियां भी, क्योंकि वो आतिफ अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, वो महमूद भाई तो उसके देखा देखी सेट पे सारे ना महमूद भाई अब जब इतनी हसीन खूबसूरत लड़कियां आपको भाई कह रही हो तो ऐसे ना, बताइए आपके दिल कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्यों कहेंगे यार, सारा वो अब खत्म कर दे, बिल्कुल आपका फिर अंदर से आपकी एक आवाज आती है। ये एक मेरे लिए बहुत आला बात हुई है कि आप सब मुझे महमूद साहब कहते हैं, ये जबरदस्त आला जनाब। अच्छा, वो तो दो दो माशाल्लाह फैमिली संभाल के बैठे हैं, आप एक सिंगल पेरेंट हैं, अपने बच्चे को भी आपने खुद पाला, बहुत मेहनत की, एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजा, खुद भी माशाल्लाह दिन रात आपने काम किया, तो ये कभी सोचा नहीं कि आई शुड गेट मैरिड अगेन? कल अब्बा ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे कि अब तुम भी शादी अब कर लो। अच्छा, वो कल मेरे ख्वाब में भी आए वो कह रहे अभी बताइए बात नहीं, वो कह रहे थे इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। अच्छा, ये मैंने कहा शायद कहने लगे कि मेरी ख्वाब में भी आए तो ये अच्छा ख्वाब ने मुझे कहते अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे इसके लिए। तो फिर मिला आपको अच्छा सा रिश्ता? नहीं मिला, नहीं, कल ही तो बताया उन्होंने आके मुझे, नहीं उससे पहले कभी नहीं सोचा। अच्छा देखो, बात ये है कि हमेशा इंसान को, मुझे लगता है कॉमेडी सब कुछ हंसी मजाक अपनी जगह, मगर अपनी ड्यूटीज को एज अ इंसान, एज पाकिस्तानी, जो भी आपकी कौमियत है, ड्यूटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे हिस्से में जो वक्त आया था, मेरी ड्यूटी कुछ और थी, अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी कुछ और लगाई थी, वो मैंने अब पास कर लिया इम्तिहान तो अब मेरे बच्चे कहते हैं आप बाहर नहीं जा रही, अमरीका नहीं जा रही कि बस तेरी ड्यूटी पूरी होगी जा। और अब आपका टाइम है कि आप दोबारा मतलब आप कुछ सोच ही लें इस पे। अच्छा मेरी बात सुन, आप यहां लग रही हैं प्रोग्राम करने बैठे या रिश्ता का दफ्तर खोल ले आया? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूं। देखो बात सुनो, जो भी जैसी भी जिंदगी आती है, जस्ट गो विद द फ्लो। यस, अगर कुछ होता है जस्ट एक्सेप्ट इट, नहीं होता तो उसके रिग्रेट में बैठने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, जिंदगी गुजारो। जबरदस्त जबरदस्त जनाब, आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जनाब, जो बहुत मजे का है। तेरे नाम है तररम पकरम पा, क्या बात है जनाब, गपशप और इतना मजा आ रहा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये बहुत मजेदार है, इट्स वेरी वेरी फनी, बिकॉज इसमें से आप में से एक को जाना है और एक्ट करना है, नंबर जो यहाँ बैठा होगा वो चूज करेगा, आप लोग डिसाइड करेंगे पहले वहां कौन जाएगा और गेस्ट कौन करेगा। हमें क्या पता, हम तो बहु बेटियां हैं, आप जाइए आप जाइए कीजिए, हम पूछेंगे। महमूद भाई आपकी बारी है जनाब, पहले मेरी इज्जत रख लेना। आमीन। नंबर फोर हाँ ये है नंबर फोर जी। असल में अगर आप ज्यादा पढ़ते लिखते हैं तो आप। अच्छा जी, ये क्या ये गाना है, कोई मुहावरा क्या है ये पूछेंगे, मैं बता दूं इनको, ये गाना है, ये गाना है। ओके हाँ गाना है, और शादी ब्याहों पे भी बच सकता है, पे भी ऐसा गाना है, है? और नहीं मचाऊ साहब, इससे कुछ नहीं पता चला, आपको ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी। खाओ के नचा कोशिश कीजिए भाई, ढोल की तो समझ आ गई होगी ना। हाँ कि भाई जरा जी बजाओ,
ते अच्छी जी बजाओ जरा जरा ढोलकी बजाओ आगे चले जी एक और नंबर चले करें हाँ जी सेवन लकी सर अच्छा सारे नंबर तो ये ले लेगी अच्छा, तो मैं फिर मेरे लिए क्या तीन है ना मेरे बाकी तीन फिर आपको ले जी भाजान सेवन में आ गया है ये भी गाना है आई थिंक नहीं नहीं अच्छा ये गाना नहीं है ये गाना भी है महमूद साहब नहीं ये गाना नहीं अच्छा नहीं है ये एक समझ लें कि उन्होंने जिक्र किया है कि एक कोई जानवर है और वो क्या चीज खा रहा है ये गाना है जुमला है ये गाना नहीं बहुत ही रोमांटिक गाना नहीं है नहीं नहीं गाना नहीं है ये जुमला आपने जोड़ना है कि वो क्या खा रहा है वो जानवर वो क्या खा रहा है ठीक है अच्छा पहले तो जानवर डिसाइड करना है कौन सा जानवर एक जानवर है एक नहीं अच्छा जानवर है ठीक है ठीक है ठीक है जानवर समझ गई समझ गई और कौन सा जानवर है बताए पट्टे बर्गर हाँ हाँ यस खा रहे हाँ कौन गधा यार दोबारा करे ये दोबारा करे ये कौन है गाय है भैंस बर्गर खाए बर्गर खाती हुई भैंस ऐसा ही कुछ यार ये मैंने कितना मैंने एक्सप्लेन कितना अच्छा किया क्या बात है पूरी गाय बन गए थे यहाँ पे देखो मेरे आप भी इस तरह बताइए सिर्फ आवाज भैंस वाली नहीं थी एक्सप्रेशन भी भैंस आवाज के भी दे रहे हैं बोलना थोड़ी होता है इसमें हाँ नहीं नहीं हल्की हल्की नहीं आपको सारा क्लू दे रहा अच्छा 10 नंबर जरा एक्ट कीजिए ना उसपे क्या है जरा 10 नंबर एक्ट कीजिए उसमें क्या है तेरे सब की जामा में मिमिक नहीं कीजिए आप बड़े आर्टिस्ट हैं आपको छोटे आर्टिस्ट की मिमिक्री सूट अजीब जी फरमाइश 10 नंबर 7 नंबर 2 नंबर तो फिर की करा हैं ये गाना हां अच्छा ठीक है अच्छा क्या ये और ये लैंग्वेज भी बता दें 10 साल पहले का गाना है हां 10 साल पहले का ये मतलब हां ये जरा पुराना सा गाना है एक बड़े मजे का क्या ये किसी मेल वॉइस अच्छा सॉरी कसौटी नहीं है हां नहीं पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं आप पूछ लें चलिए चलिए ओ ये बीट है इसकी यार ये तो गाना पूरा गा के बता रहे हैं आप सिर्फ यार पूरा गाना क्यों बता रहे हैं अच्छा गाना ये है कि उनको वैसे समझ नहीं आया ये पंजाबी में समझना है आपने कि मैं पंजाबी बोले पंजाबी में मैं ही कहते हैं पंजाबी अस्सी हाँ अस्सी को जरा डाल लगा देना तकरीबन चले मले की होंदिया ने गलियां टाड़ी डिंड साडी गलियां आ जा कुछ ऐसा ही है मिलता जुलता कुछ ऐसा ही है इन्होंने गाना नहीं सुना पहुंच गया तू भाई साडी गलियां नहीं कदी नाल ला ले ना जरा गया साडी गलियां कदी आवे आ माही ओ तकरीबन तकरीबन पहुंच गया उन हासिल नहीं नहीं इनविटेशन है मैं भी दे इनविटेशन ही दे रही हूं अभी वो भी हां एक चीज और है बीच में हां के मोमो नहीं बांधती तू तो क्या होता है भूल जाते हां साडी गली आना ना भुलिया कर आहा ए चाहती हूँ कि मैंने इतना अच्छा आपको ने क्लू दिया मगर मैं पकड़ ना सकी अच्छा वाला क्लू का मैं इससे ज्यादा और क्लू क्या देता कितने ज्यादा अच्छे दिए मैंने कसम से बताना बाकी था मुझे है ना हां ट्यून भी बोल दी उन्होंने तो गाना गा के कह दिया गली भी कह दिया भूल भी कह दिया अच्छा एक और निकाल लीजिए नंबर नहीं तीन हो गए नहीं चार हम चार करेंगे आपके साथ अभी भी फैसला होगा चार सात और 10 नहीं आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक और आपको करना वो तेरी दो नहीं यार दो नंबर तो मुझे चिढ़ेगी एक नंबर ले ले अच्छा नहीं फिर दो ही ले लेना
नहीं, ये एक मुहावरा टाइप है, चलो एक लाइन। आपको तो आदत है मुश्किल मुश्किल चीजों में। आ हा हा, आ हा, ये तो आजकल के दौर की बात है। ये तो बहुत सुना होगा आपने, सोचा भी होगा। ये क्या है? ये बस एक मुहावरा भी है, एक कहावत है, कहावत टाइप है, मुहावरा है, गाने में भी यूज हुआ है। अच्छा, गाने में भी यूज हुआ है। ए हाँ, ये करे ना, ये हाँ, ये पैसे फेंक रहा है कोई। हाँ, पैसा फेंक तमाशा। हाँ, वेरी नाइस। पैसा फेंको तमाशा देखो। आइए जी महमूद। वाह, मिस्टर महमूद, अब बैठ जाओ, आपका इरादा लग रहा है कि बाकी आप करना चाह रहे, कर बड़े मजे कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त दिल चाह रहा है। हाँ, लेकिन आप ज्यादा मुस्कुराए और हंसे नहीं, एंजॉय करें, अब आपकी बारी एक्टिंग करने की। उधर उधर इधर मत देखिए, आप उधर जाके खड़े हो। यहाँ कोई बैठा है? आइए जी, आओ ना जी, जरा लो जी, फिर बिस्मिल्लाह। एने तो फिर इसने पूछ लिया, मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवे जी, देखिए माय लकी नंबर जो मैं समझता हूँ शायद वो पांच है। मेरा नहीं है वो लकी नंबर। अच्छा, पांच तो इन्होंने कर ली नहीं आपने? नहीं, अब बस ठीक है। क्या करूं इसका मैं? ये देखा, अब पता चलेगा कौन अच्छा एक्टर है। महावरा। अच्छा, महावरा। बोले ना हम क्या? मैं हम 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 अब 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 मुहावरा, या मैं मुहावरे जी बड़ा कमजोर है। हाँ, नहीं नहीं सही आप कर रहे हैं, नहीं वहीं जा रहे हैं आप। हाँ हाँ, हम नहीं, हाँ मैं हम अपना अपना हाँ अपना उल्लू सीधा करना। हाँ यार, अपना उल्लू सीधा करना है यार, ये उल्लू यार, आप तो जानवर बन रहे हैं क्या? मेरे को बहुत वो भैंस बड़ी अच्छी बन रही है उल्लू। ओके, अपना पता नहीं हम लोग करते नहीं। अपना उल्लू सीधा करना, सही, वेरी गुड जी। अगला नंबर चूज कीजिए। नंबर चूज कीजिए सर। नंबर फिर आ जाए थ्री पे, आए जरा चेक करते हैं क्या। वाव यार, अल्लाह खैर। मुहावरा, वो फिर मुहावरे मेरे लिए रखे हुए मुहावरे, कहावत भी इसको कह सकते हैं। मुहावरा इजी है, बहुत आसान है। उल्लू नहीं, बिल्ली। हाँ, बिल्ली के गले में घंटी बांध। यार यार, वैसे इनको इजी इजी मिल रहे हैं, आसान आसान। हाँ, ये कोई बात नहीं है, मैं चल जाऊंगा। चलो लास्ट हम करते हैं नंबर सिक्स। ओके, नंबर सिक्स। और बताएं नंबर सिक्स। ओ तेरी, ये को मुश्किल सा आ गया। इट्स अ गाना। गाना है, गाना है सॉन्ग। अच्छा, सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। दिल, इस पे बकायदा आपने डांस भी किया होगा तकरीबन। दिल में तेरे मैं हूँ। नहीं, हाँ, दिल में तुझे बिठा के। नहीं, इतना पीछे ना जाए। अच्छा, इतना पीछे ना जाए आप, ये थोड़ा दिल में मेरे आज क्या। नहीं नहीं, दिल में मेरे सही है, दिल में मेरे सही है, दिल में हाँ मेरे हैं। ले बोल यार, गाना बोल दे वहां बैठ के। है क्या कर रही है यार ये? है बोल, मुझसे बोल रहे हैं। धड़कन नहीं, दिल मेरा धड़कन तेरी। अच्छा, दिल में मेरे है, मेरे है प्यार। नहीं, धड़कन नहीं, नहीं टूटी भजी। हाय हाय, टूटी भजी, मनु बुखार चढ़ गया। नहीं यार, दिल में मेरे है उनको दर्द, हार्ट अटैक। हार्ट यार, दर्द हो रही है उनको, दर्द हो रही है। हाँ, दिल में मेरे है, दिल में मेरे है दर्द, दर्दे दर्दे जिगर। हाँ, आगे दर्दे प्यार सैया तेरे नाल। पंजाबी, अच्छा पंजाबी गाना है, उर्दू गाना है? उर्दू। हाँ, उर्दू है पंजाबी। नहीं, आखिरी लफ्ज कौन सा? हाँ, आखिरी लफ्ज दिल में मेरे है चुम्मी। नहीं नहीं, फिर प्यार दिल में। आप फिर पढ़े, दिल में मेरे है दर्दे, दिल में मेरे है दर्दे। हाँ, डिस्को, दिल में मेरे है दर्दे, दिल में मेरे है। हाँ,
Yes. नहीं वापस जाए, अभी दो हुए हैं. नहीं नहीं तीन हो गए भाई, बस चौथा नहीं, नहीं, नहीं हो गया, तीन हो गए. वो कह रहे पूछना नहीं, उनको मुश्किल पड़ रही है. आप अब नाइन कहेंगे क्योंकि बचा नहीं है कुछ. ठीक है. नहीं एक और भी बचा. नौ. यार ये बड़ा जुल्म है, तीन तीन कहे थे आप चार चार करवा रहे हैं. ओ तेरी, ये मुहावरा है भाई. ओ यार ये मुहावरे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे कभी भी नहीं, एक दो के अलावा कोई भी नहीं. ये वैसे अच्छा. इसका बनाना जरा डिफिकल्ट होगा. एक बड़ा मशहूर कहावत है, मुझ नहीं तो गुस्सा. मुझ नहीं तो फादर की बात. बादल बाप नहीं बाप. हाँ हाँ हाँ. प्यो प्यो बा उर्दू में है, पंजाबी उर्दू में. उर्दू का है बाप बड़ा. हाँ कुछ नहीं. बाप बड़ा ना ना बाप बड़ा ना. हाँ मैं मुझ सब मैं सही जा रहा हूँ. बाप बड़ा ना पैसा नहीं. हाँ कुछ ऐसे 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 तकरीबन. बाप बड़ा ना कंगन नहीं. ये इनको इनको राखी बांध रखा. हाँ वो नहीं हो. हाँ वो बाप बड़ाना भैया. हाँ बाप बड़ाना भैया. हाँ हाँ आगे आगे सबसे बड़ा रुपया. हाँ ये ओह यस. अच्छा ये बताइए इस सेगमेंट में जीता कौन है? मैं दोनों. मैंने भी पूरे जवाब दिए. आपने तीन जवाब दिए. हम दोनों नहीं भाई चार किए. क्या हो गया? आपने तीन जवाब दिए. चार चार जवाब दिए. हाँ दोनों जीत गए यार. क्या बात है यार, बड़े बड़े एक्टर हमारे पास है. जबरदस्त भाई. आगे बढ़ते जनाब, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. आपको हिना दिलपजीर का फेवरेट रोल कौन सा लगता है? यही बुलबुले में जो है इनका. जब वो रोती है, रोने वाले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी करती है. मोमो वाला. हिना दिलपजीर का कोई फेमस डायलॉग बोल कर दिखाइए. हाय शाबाशे जुबे. ओ शाबाशे. हिना दिलपजीर अगर अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करें तो वो क्या हिट होंगी? बिल्कुल हो जाएंगी वो इंशाल्लाह. नहीं हाँ बिल्कुल होंगी. आपको हिना दिलपजीर का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कोई दूसरी साहब की बेवा. बुलबुल है. बुलबुल है. शोबिज के अलावा अगर हिना दिलपजीर किसी और प्रोफेशन को चुने तो वो कौन सा होना चाहिए जिसमें वो कामयाब हो? उन्हें सब कुछ में ट्राई करना चाहिए, वो हिट हो जाएंगी. सिंगिंग पेंटिंग. अच्छा कैसा लगता है फैंस इतना प्यार करते हैं? बहुत अच्छा. कैरेक्टर्स याद रहते हैं, नाम याद रहते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं आपका असल वाला और कैरेक्टर के नाम से आपको. वो इतनी मोहब्बत इस वक्त में मिलनी, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त. अल्लाह ताला इसको कायम रखे बल्कि और बढ़ाए. आमीन आमीन. महमूद भाई आपके चल के देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा है आपके बारे में. क्या क्या कहा होगा. अच्छा ही कहा यार, आप लोग नहीं अच्छे. महमूद असलम साहब का कोई एक डायलॉग जो आपको पसंद हो. उनके तो हर डायलॉग अच्छे होते हैं. ये जो बोल रहे हो ये वही है जो बोल रहे हो. महमूद साहब के तो सारे डायलॉग अच्छे हैं. महमूद असलम साहब आपको कॉमेडी रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं या नेगेटिव रोल में? नेगेटिव में. कॉमेडी रोल में. कॉमेडी में भी अच्छे लगते हैं और नेगेटिव में भी बहुत अच्छे लगते हैं. टीप ऑन ट्रबल में महमूद असलम की एक्टिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 9 दूंगा. 10/9. 8. महमूद असलम का जोड़ी साइन गैस करें. आई डोंट नो. ये बिल्कुल भी नहीं पता मुझे. सेक्रेटेरियस. कोई एक मैसेज जो आप महमूद असलम साहब को देना चाहें? ऐसे काम करते रहेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई. हंसते भी है दुनिया वाले जब होता है बर्बाद कोई. ये के बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और हमेशा करते ही रहें. इंशाल्लाह आमीन. जबरदस्त. अच्छा वो लड़की ने उसने बिल्कुल सही बोला. उसने ये जरूर आपके बारे में पढ़ा भी होगा ना. हो सकता है आप कुछ फैमिली में मुब्तला ना हो. नहीं नहीं हो सकता है उसे गैस लगाया हो कि इस टाइप का जो शुगर है. आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, लोग देखते हैं. अच्छा आजकल क्योंकि आपने तो वो भी टाइम देखा है जब सिर्फ पीटीवी का काम होता था और पीटीवी पे एक ही रात में एक कैरेक्टर आया एक अच्छे ड्रामा और वो पॉपुलर हो गया. सही. अच्छा अब कितना मुश्किल है पॉपुलर होना आपको क्या लगता है नए लोगों के लिए? अब ज्यादा मुश्किल है. एक तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और उसमें अपने आप को मनमाना मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल है. पहले यह था कि एक ही ड्रामा चलता था हफ्ते में और लोग 8 दिन इंतज़ार 7 दिन इंतज़ार करते थे उसका और फिर वो एपिसोड देखते थे और फिर जो उस पर करेक्टर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक उस पर थी ना. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. तो वो लोगों में आप छोटा सा भी करेक्टर करते थे तो दूसरे दिन लोग आपको रिकॉग्नाइज करते मतलब जो पीछे भी कहीं खड़ा होता ना उस ड्रामा में एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक ही चैनल था
और क्या करते लोग सही वो देखते और देखते भी क्वालिटी भी बहुत और अच्छी फिर उस वक्त के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कमाल काम नो डाउट नो डाउट लेकिन अब भी नाम बनाना आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल काम जो आपको लगता है अच्छा सोशल मीडिया पे आप लोग कितना एक्टिव हैं ये बताइए मुझे दोनों यार मैं तो बहुत कम हूँ अच्छा आप मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ ठीक है मुझे लगता है कि ठीक है सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है मगर सारा वक्त अपने फैंस खरीदने में ना लगा दीजिए काम बेहतर कीजिए पूरी दुनिया में नाम होगा बिल्कुल सही है क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते बिल्कुल झूठ के पाँव नहीं होते बहुत खूब बात है वो व्हाट फॉर द टाइम बीइंग होता है वो फेम सोशल मीडिया स्टार्स या सोशल मीडिया स्टारलेट जो वक्ती अब वो ये ना सारी कॉन्सेंट्रेशन हमारे जो नए बच्चे हैं वो उसी पे उस तरफ चली गई है काम पे काम काम पे आपको लगता है ठीक है अच्छा लेकिन ये जो ट्रोलिंग होती है और लोग सोशल मीडिया पे कोई ऐसी आपकी तस्वीर देख लेते हैं या कपड़े पहने होते हैं ऐसे नहीं आप लग ऐसे रहे हैं और उस पर नेगेटिव कॉमेंट्स आना शुरू करते हैं तो कभी आपका ध्यान गया उस तरफ नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में ये बातें आने नहीं देती पता है क्यों फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप उसमें फंस जाते हैं कि हम लोगों को कैसे नज़र आते हैं हम तो काम करने आए हैं हमें तो अच्छा अच्छा काम करना है यू नो तुम एक्टर हो इनके काम देखिए एक से एक कैरेक्टर हम इसमें पड़ जाएंगे कि कौन क्या कहता है कौन नहीं हम खिदमत कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है तारीफ़ करते हैं तो बहुत शुक्रिया आपके लिए बहुत सी सारी दुआएं अगर आपको नहीं पसंद दूसरे चैनल पे चले जाओ अच्छा बड़ी अच्छी हर की अपनी अपनी पसंद है ना हाँ बिल्कुल नहीं बड़ी बहुत बहुत इस बात में बड़ी एक डेप्थ थी कि काम करने आए हैं काम कर रहे हैं तो आपकी जो स्किल है जैसे बहुत शुक्रिया आपने मेरी तरफ भी इशारा कर दिया इससे मैं बड़ा खुश हुआ जो आपकी स्किल होती है एज एन एक्टर या एज ए होस्ट या जिस तरह आपको लोग पहचानते जानते उस काम में मेहनत ज्यादा होनी चाहिए जी हाँ वेरी राइट बनस्पत की आप तस्वीरें फैला रहे हैं और अपना सोशल मीडिया एक्टिव और माइंड गेम से कभी कोई कहीं नहीं पहुंचता और देखिए सबका राइट है ये देखिए ये चीज तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना हम सब सिर्फ उसकी जात सबको खुश कर सकते हैं बेशक हम नहीं कर सकते बिल्कुल हमारे इख्तियार में नहीं है हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हमारी जितनी कैपेसिटी है हम तो उसी में काम करेंगे हाँ। ना और आप सबको खुश नहीं कर सकते आप घर में आपके चार बच्चे हो आप उनको नहीं चारों को खुश कर सकते बिल्कुल सही कोई नाराज हो जाएगा किसी बात पे हो जाएगा किसी बात पे हो जाएगा आप तो खुश ही नहीं कर सकते बहन भाइयों को नहीं खुश कर सकते बहुत खूब जनाब अपने दोस्तों को नहीं खुश कर सकते तो ये तो आवाम है जो व्यूअरशिप है जो लाखों में है आपके आप उन सबको कैसे खुश कर सकते हैं वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए बॉल नाइट्स विद एहसन खान वेलकम बैक और हमारे साथ जबरदस्त हमारे गेस्ट जो हैं हिना यहाँ बैठी मौजूद हैं देखें जरा इधर देखें ये देखें क्या बात है आप ये चेहरा देख के खुशी होती है और महमूद साहब जाहिर है इनको एवरग्रीन अच्छा रैपिड फायर एक राउंड होता है जो हमारा क्विक सवाल होते हैं क्विक क्विक जवाब होते हैं सिंपल सा होता है आप शुरू तो आप तैयार क्या क्लाशन को से क्लाशन से करना होता है जरा देखना कहने आप शुरू करें आप शुरू करें जल्दी वो जल्दी आंखें बंद करके ये वाला ना राउंड निकाल देते आप शुरू करें हां यार इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं बहरहाल तुमने दो आर्टिस्टों के बीच में कहा कौन सा अच्छा है ये क्या वो क्यों कहना नहीं क्यों वजह फिर मैं सच बोल दूंगी हम चाहते हैं आप सच बोल दें अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है आप ठीक है मतलब कोई फैसला नहीं क्या शुरू करना यार अभी जल्दी कर जल्दी कर थिएटर या ड्रामा थिएटर ड्रामा या फिल्म फिल्म लेकिन अब मजा आता है लेकिन मेरा शौक थिएटर है आई लव थिएटर बॉलीवुड से कभी ऑफर हुई हाँ उसके बाद हालात खराब हो गए थे यानी ऑफर हो चुकी है हो चुकी है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करके बहुत पछतावा हो गया यार ये मैंने क्यों किया कोई एक कोई एक किसी एक का नाम ले एक्चुअली जो बहुत बुरे स्क्रिप्ट्स होते हैं काम तो करना है तो फिर मैं इस शर्त पे काम करती हूँ कि बोलूँगी वही जो मैं खुद लिखूँगी अच्छा तो उस प्रोजेक्ट में आप फिर खुद लिखती भी हैं मतलब मैं अपने सीन्स फिर रीराइट करती हूँ अरे वाह वाह कुद्दूसी साहब की बेवा के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड हैं बहुत यानी अभी तक उसका रिस्पॉन्स मिलता है पाकिस्तानी या इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री का हैंडसम हंक कौन है अरे अल्लाह पूरी इंडस्ट्री ये तो फरोलने पड़ेंगे आर्टिस्ट मुझे लेकिन मुझे यहाँ हमारे तो सभी फेवरेट हैं यहाँ पर मुझे एज डायरेक्टर एक्टर एंड राइटर रजत कपूर बहुत पसंद है अच्छा
ठीक है, जबरदस्त जी। अगर किसी इंटरनेशनल एक्टर के साथ डिनर करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगे? अरे कोई एक है, पूरा महीना लग जाएगा रोज डिनर खा सबको बुला लेना। मैं सबको बुला लूंगी डिनर पे। हां मैं सबको बुला लूंगी। कोई बहुत फेवरेट चले? एक नाम नहीं सुन रहा, वो कौन सा देख रहा होगा उसी को दिखाएंगे हम ट्वीट करके। मैं महमूद असलम को बहुत पसंद करती हूँ, कई बार डिनर कर चुके हैं। कई बार इनकशाफ, वो देखिए इनकशाफ। और क्या, वाह ही प्राप्त, बहुत जाननी है। अच्छा क्या आजकल की हीरोइंस को फेम के लिए रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना जरूरी है? मुझे लगता है देखो एक आउटफिट से हैसियत रखते हैं, आपको हर जगह जाने का एक तरीका होता है। ठीक है। और ज़्यादातर तो टेलीविज़न के लोग जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, किसी के हो रहे होते हैं, कोई शो हो रहा होता है तो फिर वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं अपने ही कपड़े पहनती हूँ ज़्यादा, खरीदे हुए। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मोमो इतना सुपरहिट हुआ कि आपके तमाम बाकी कैरेक्टर्स को ओवरशैडो कर देता है वो? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है, मोमो की अपनी हैसियत है और बाकी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी जगह है। क्योंकि मुझे तो लगता है आपके दो तीन कैरेक्टर्स हिट हुए, तो मतलब और भी बहुत से हिट हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि ये बहुत सारे लोग मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। कोई मुझे कहता है आपा आइए बैठिए प्लीज, अब उनको देखो तो इतनी मुंह पे झुर्रियां यानी बुजुर्ग है, लेकिन वो उनकी मोहब्बत है, वो रिस्पेक्ट में कहते हैं शायद उस कैरेक्टर से रिलेट करके। जिसने रूअफजा देखा मैं, वो कहता है हाय रूअफजा हाउ आर यू। हाँ ये बड़ा मजे का ये एक्सपीरियंस अलग अलग तरह से। किस तरह का रोल करना ज्यादा प्रेफर करते, कॉमेडी सीरियस? जो अच्छा लिखा हुआ हो, कंप्लीट बात लिखी हुई हो उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। मुझे अच्छा लगता है चाहे वो कॉमेडी हो या सीरियस हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो। कोई एक फीमेल आर्टिस्ट अपनी इस फील्ड की जो जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन समझती हो? उस्मा आपा, उस्मा गिलानी, बुशरा अंसारी, मुझसे पहले जितने लोगों ने काम किया वो बहुत बड़े लोग हैं। कोई एक मेल आर्टिस्ट जो आपको लगता हो कि ये आर्टिस्ट इस तक कोई नहीं पहुंच सकता? मैं ये तो जब ड्रामा देखती हूँ या वैसे मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, और अनट्रेन्ड लोग सब ऐसे काम करके जाते हैं कि तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत वी आर सो लकी टू हैव पीपल लाइक। आजकल की जो नई यंग लड़कियां हैं उनमें आपकी फेवरेट आर्टिस्ट कौन सी है? उनमें इकरा मुझे अच्छी लगती है बहुत। ठीक है। आजकल की यंग लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको कौन सी लगती है? भाई कोई असली चेहरे के साथ आए तो मैं बताऊं कि खूबसूरत कौन है, सब एक जैसे हैं। आई एम सॉरी, ये मैं जब तक कोई बोले नहीं तो मुझे पता नहीं चलता ये कोई है। यानी क्या बात करें मैं, ये मैं ऐसा भी अब नहीं है यार। क्या मतलब? तुमने तो वही कहा था जो जहन में आए तो बोल दे। ठीक है यार, ठीक है, बहुत खूब जी, जबरदस्त है। हिना दिलपज़ीर से जो रैपिड फायर राउंड हुआ है वो बड़ा मजे का था जी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महमूद असलम की तरफ। ऑल जागो जागो सुबह हुई। हो गया, हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बारे। चल मेरी बारी आई। अब मैं जरा सो जाऊं, मैं बदला लूंगी। ये इन्होंने देखी हिंट कराई है आपको, ये समझे आप इनकी हिंट। हां जी लाओ जी। हैं तो मैं तो बोलने की जोगी नहीं हूं उनके सामने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी सर। महमूद साहब आप ये बताइए कि मीडिया इंडस्ट्री में किसी को कभी थप्पड़ मारा है? जी नहीं, ड्रामे में या वैसे असल में? नहीं कभी नहीं। Really? Yeah. अच्छा ड्रामे में मारे? ड्रामे में तो बहुत, ड्रामे में तो बेशुमार लोगों को मारे। ड्रामे में फिर ओए होए होते, फिर ऐसे ऐसे मारे नहीं मारते तो। कभी ये सोचा कि मैं एक्टर ना बनता तो मैं ज्यादा बेहतर प्रोफेशन में होता? मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैंने एक्टर बनना। तो फिर क्या सोचा? मैं एक्सीडेंटल तौर पे आया हूँ इस फील्ड में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। मुझे सब एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, ठीक है, सॉरी मिलिट्री में जाने का। ये 1965 नहीं, पहले आप ऐसा करें डिसाइड करें। नहीं नहीं वैसे आप बता रहे मिलिट्री का बहुत शौक था जाने का, तो आई साइड वीक होगी तो नहीं जा सका। सही। फिर मुझे डॉक्टर बनने का शौक हुआ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरता था लाहौर में, तो मैं कहता ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ पे डॉक्टर बनूंगा। नंबर कम आगे कम बखर तो डॉक्टर भी नहीं बन सका, तो आर्ट्स में मुझे FC कॉलेज में दाखिला मिल गया। तो वहाँ पे एक ड्रामा हो रहा था शैतान ऑल कॉलेज फेस्टिवल, उसमें 20 लड़के सेलेक्ट करने थे उन्होंने,
वो मेरा एक दोस्त मुझे ज़बरदस्ती ले गया कि चला ऑडिशन देते हैं। वो भजन मैंने ऑडिशन दिया, उन 20 लड़कों में से आई वॉज वन ऑफ देम। इधर बैठा दिया, चल भाई इधर बैठ। क्या बात भाई, वो तब से सफर शुरू हुआ है भजन। माशाल्लाह, और सफर बड़ा काम है। आप सफर तीसरी शादी का दिल किया कभी? नहीं। क्यों? दूसरी का भी किया, दूसरी का भी किया था, लेकिन बस वो हो गई। लेकिन तीसरी का कभी भी नहीं सोचा भी नहीं। क्या ये सच है कि मेहदी हसन साहब की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं आप? मैं तो बहुत से आर्टिस्टों की करता। फेवरेट मिमिक्री कौन सी है जिनकी आपने की है? बहुत से, मैं उनकी अतर शाह खान की करता था, मैं मेहदी हसन साहब की, मैं कव्वाल जितने थे रजब अली साहब की, रजब अली साहब की मैं बहुत आला कॉपी करता था। गुलाम अली साहब, गुलाम अली साहब, प्लीज आप देखें। मैंने नहीं कभी देखी यार। अब ये क्वेश्चन नहीं था, आपने कहा था सिर्फ छोटे। एक्चुअली मैंने नहीं देखी। अच्छा? नहीं, वाकई नहीं, मैंने आपको ये करते हुए कभी नहीं देखा। अब पता क्या, आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ कोई जरा सा आपको। मैं वो कह रहा हूँ मोहब्बत का जहाँ जल लगा ये जमीन जल नहीं लगी और आसमां जल नहीं लगा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना है चुपके हम वो बारह भी आगे। ओके, वेरी नाइस जी, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, क्या ये सच है कि तीफा इन ट्रबल के आपको मुंह मांगे पैसे मिले? देखिए उसके मैंने वो हंसता हुआ वैसे बढ़ाऊ, नहीं तीफा इन ट्रबल के मुंह मांगे पैसे नहीं मिले, ना मैंने मांगे थे। वो आपको पता चल गया होगा कितने मिले। कम वक्त बहुत तेज है तू यार। हुआ ये था कि वो फिल्म मैंने छोड़ दी थी फिल्म्स करनी, और ये कोई 28 साल के बाद आपने की, बिल्कुल। मुझे एहसन मेरे घर आए थे। हाँ। फ्रेंकली, और अपना अली जफर जो है वो मुझे बहुत भाइयों की तरह है, वो बहुत प्यारा बच्चा है, है भी, नो डाउट, ठीक है ना। एहसन मेरे घर आए थे मुझे बुक करने के लिए। उन्होंने कहा जी महमूद साहब ये बट सब हमने आपसे करवाना है। और क्या आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसने इतने मान से मुझे कहा था कि बाय गॉड मैंने वो पैसों के लिए फिल्म नहीं की थी, वो मैंने 28 साल के बाद, वो मेरा रिवाइवल था फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री। बहुत अच्छा किया। तो ये था, वेरी नाइस। क्या ये सच है कि ड्रामा इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं उसमें मुझे मुंह मांगी शोहरत मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट, मुंह मांगी मतलब एक अलग लेवल का शोहरत तो पहले भी है, और आपने जो भी किया अल्लाह ने उस सब कामों में बरकत भी डाली, ये बड़ा जरूरी होता है। लेकिन फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रिवाइवल है आपका भी कमबैक। ठीक है जी, कोई ऐसा एक्टर जो आपको लगता है काम नहीं आता लेकिन ज्यादा पॉपुलर है? नहीं, आप दोनों हंसी पड़े यार इस बात का। अली बासी। अच्छा ठीक है, आई मीन उसने मुझसे पूछा, नाम ने देखा यार, क्या मैंने नाम दे दिया? सही है, आप बताएं। हमायों से इतने नहीं नहीं अभी उसके ड्रामे में काम करना। और कौन है फिर दस? देखिए मोदी, बात यह है कि अपने हिसाब से ना मैं अपने घर में किसी को भी कहां पर भी बिठा दूं, सही है, लेकिन जब तक आवाम और खल्क की आवाज नहीं है, ये खल्क की आवाज बहुत अहम है। आप किसी को कुछ भी बना दें लेकिन जो इतना बड़ा सच है उसको आप नहीं छुपा सकते। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, है क्या ये सच है कि अपनी आपने भी पहली मूवी 50,000 में की थी और दूसरी मूवी 20,000 में की थी? नहीं, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पहली मूवी कौन सी थी आपकी? दुनिया। ठीक है, और दूसरी? चौधरी इस्माइल साहब की थी, और दूसरी थी नजर शबाब साहब की। नजर शबाब, हाँ नजर शबाब। वो फिल्म्स क्यों छोड़ी थी आपने उस जमाने में? आपने कहा 28 साल का गैप। देखिए मैं जब टीवी पे एक मैंने सीरियल की थी वक्त, उसमें मैं आबिद अली के बेटे का करेक्टर किया था, सुल्तान का। तो मुझे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे नुसरत ठाकुर साहब कहते थे, पूछते थे हमेशा तुम्हें फिल्म की ऑफर आई है, फिल्म की ऑफर आई है? मैं कहता था जी नहीं आई। लिटरली अभी वो सीरियल ख़त्म नहीं हुई थी तो मुझे नजर शबाब साहब की ऑफर आ गई थी फिल्म की। तो उन्होंने एक से बढ़कर एक तब वो बना रहे थे, जिसमें जवेद शेख साहब, सलमा आगा, सबीता, इस्माइल शाह मरहूम, राशिद महमूद, ये सब पूरी कास्ट थी। तो
वो फिर भी कुछ बेहतर फिल्म थी, लेकिन बेहतर नहीं थी फ्रेंकली, बहुत फार्मूला फिल्म्स थी। मैं एक एम लेके गया था टीवी से, तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो मैं वहाँ से माफ़ी मांग के, मैंने 90 में लास्ट फिल्म की थी सरमाया, अदरीस खान साहब डायरेक्टर थे उसके, और मैंने माफ़ी मांग ली थी कि मैं आइंदा मैं इज्जत के साथ टीवी कर लूँगा, फिल्म नहीं करूँगा। बहुत फार्मूला फिल्म्स, टिपिकल, मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। ठीक है जनाब, इनको रेट कीजिए एज एक्टर्स, बेस्ट एक्टर, गुड एक्टर, और आप बताइए कि तीन नाम हैं, एजाज असलम, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, एजाज असलम। ठीक है। अच्छा, रमज़ान कितनी भी गर्मी में आ जाए लेकिन आप रोज़े नहीं छोड़ते, चाहे आउटडोर शूट से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इसका वाक्य भी एक सुनाता हूँ आपको। जब ये कोई 35-38 साल पहले की बात है, जब मैं फिल्म्स किया करता था, तो मैं सुल्तान रही मरहूम साहब के साथ एक फिल्म कर रहा था, और उसकी आप तो जानते हो कि लाहौर में रोही नाला जो है बिल्कुल बैरन है, बिल्कुल कोई दरख्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि जून के रोज़े थे और हमने रोज़े रख के और वो फाइट सीक्वेंस जो है वहाँ पे करवाया, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होता है फाइट सीक्वेंस, बहुत एनर्जी yes, चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन और उनका भी रोज़ा होता था, राई साहब का, वाह, और सब जितने फाइटर थे उस वक्त साथ, तो हम सब के रोजे होते थे जून के उस वक्त, और हम उस गर्मी में रोजा रखे का अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि जो फिरोजा आपने हाथ में पहना और हर वक्त पहना होता है, ये इसकी क्या पीछे राज है, ये बता दीजिए। या ये आपको पता है, ये तकरीबन कोई मेरे हाथ में इसको हो गए कोई 34 से ये मेरे हाथ में है। कुछ भी नहीं था, वो ऐसे ही एक जानने वाले थे, उनके पास मैं ऐसे ही एक दफ़ा गया मिलने के लिए, तो वो कुछ चीज़ें उस ज़माने में नया नया आप फील्ड में आते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके ना हक में बेहतर नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कुछ दुआ कुछ मुझे अल्लाह की कलाम पढ़ने के लिए बताई, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि यार एक ये फिरोज़ा जो है ये आप हाथ में पहन रहे, चांदी की अंगूठी में बनवा के, तो वो तब से मैंने, मेरा एज सच उस तरह से बिलीव नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन आपको अच्छा लगता है उसको पहना, उन्होंने दिया, साइकोलॉजिकली भी इफ यू फील बेटर, हाँ, तो मुझे उस तब से मुझे वो, उन्होंने बाद में पूछा कि कोई नुकसान दिया, मैंने कहा जी नहीं, कहने को कोई फायदा दिया, मैंने कहा जी अभी तक तो मुझे नहीं समझ आए, कहते बस फिर आप पहन ही रखे इसको, तो तब से चल रहा था, इन्होंने अंगूठी उतार दी थी, इनको सबने तरले डाली हैं खुदा के लिए फिरोजा पहने, तो वो वापस ये सच नहीं है, हाँ ये सच नहीं है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, जबरदस्त गुफ्तगू हमारी जारी है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ महमूद असलम और हिना दिलपज़ीर, और कैसे वक्त गुजरा और किस तरह शो खत्म होने वाला है मुझे पता नहीं चला, बहुत सी बातें जो भी आपसे करनी थी। मेरा दिल कर रहा है कि एक और एपिसोड आप लोगों के साथ करनी चाहिए, ऑनेस्टली इतनी मजे की बात है ना, वेरी नाइस, और स्पेशली आपने तो बड़े मतलब ऐसी बातें कर दी जो काफी, सब लोग मुझे माफ कर दें, ये मसला है मेरे साथ, जब तक मैं नहीं देखूं, जब तक कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता नहीं चलता ये कौन है। यार मैंने तो वैसे ही कहा था, ये भी एक्सप्लेनेशन देने लग पड़ी है, सीरियस हो गई, सीरियस हो गई, वो अच्छा कह रही हूं, कोई वो ना करे, नहीं कोई वो क्या, कोई वो नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा, आई लव यू ऑल, सही है, बिल्कुल सही है। जाते जाते हम चाहेंगे आप गाना इतना अच्छा सुनाती हैं, शुरू में थोड़ा सा सुनाया, अभी भी सुना दीजिए, और महमूद साहब ढोल और पता नहीं क्या क्या बजा रहे थे, तो कौन सा आइटम तैयार किया आप दोनों ने? नहीं आइटम तैयार नहीं किया हमने, ये तो मैं वैसे हम ये है कि हम सिर्फ सुना देते हैं, और ये बताना है लोगों को कि हम ये करते हैं कि हम असी भूखे नहीं बना। ओके प्लीज, चलो जी, चलो जी, मैं होंदी ढोलना हाय ढोलना सुने दी तवीतड़ी रंदी गल नाल लग गई तेरे सावन दे नेड़े क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, ये चीज़ है, वेरी नाइस जी। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को?
किसी को भी जज करना है, अपनी नज़र से, अपने दिल से जज कीजिए। जजमेंट इंसान के पास नहीं है, तो हमें जजमेंट से एक तरफ रख के मोहब्बतों से काम लेना चाहिए। और आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं, पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ। आमीन। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे भाई? मैं ये कहूँगा खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, झूठ बोलना छोड़ दें, अहद निभाएं अपना, और अपना जो माप तोल है उसमें डंडी ना मारें। जिसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है, मैं ये करता हूँ प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है जी। और आप देखें कितना सुकून आपको आएगा और आप कितने आसानियां अल्लाह आपके लिए पैदा करेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं उनके लिए दमास वाले एक गिफ्ट हैंपर भेजते हैं, ये आपके ऐप, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। नहीं वाह, फीमेल आर्टिस्ट नहीं तो मैं फीमेल बन जानी है, ऐसी की गल है? दुपट्टा दियो, मैं फीमेल हूं। हां दुपट्टा दियो, मैं दुपट्टा दियो, फीमेल बन जानी। आजकल दुपट्टे की भी जरूरत नहीं महमूद, मैं तो एक्टर ही की हूं। मर्दाली भी कुछ करवाओ ना, उन्नी टाइम बिठाया ओके आपके लिए भी आएगा नेक्स्ट टाइम। हां ये की बात, सारीयां चीजें मान करो दो नु दो गई यार, असली नहीं बोलते दमास वालों के नाल। नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे, जनाब, टेक केयर, थैंक यू।